अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। दोस्तों, आज मैं आपकी बहुत ही पुरानी याद को ताज़ा करने लगी हूँ। आप सामने तो कश्तियाँ जरूरी बनाई होंगी, जब आपके बाहर पानी आता होगा उसमें आप बहाते होंगे। चले क्यों ना आज मैं आपकी यादों को ताज़ा कर दूँ, और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कश्ती यानी शिप। एक हम बनाएंगे चाकू वाली कश्ती और एक हम सिंपल कश्ती बनाएंगे। दोस्तों, कश्तियाँ बनाने के लिए हमें कोई ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। एक आपको सिर्फ अपने हाथ चाहिए और ये शीट्स चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी तरह की शीट यूज करते हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर यूज कर लें, चाहे आप कॉपी का पेज यूज कर लें। चले अब हम पहले मैं आपको सिंपल कश्ती बनाना सिखाऊंगी। पहले आपने एक शीट लेनी है, उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये जो हिस्सा बच गया इसको हमने कट कर लेना है इस तरह से। अब हमने इसको फोल्ड करना है। फिर इसको फोल्ड करें। अब हम इसका एक पीस लेंगे, इसको इस तरह टर्न कर लेंगे। पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह आप पकड़िए खोलेंगे। और देखें कितनी आसान, कितनी ही प्यारी माई कश्ती लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपकी वो बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। फ्रेंड्स, अब हम दूसरी कश्ती बनाएंगे जिसके नीचे नोक होगी। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब हमने इसका एक स्टेप इधर से फोल्ड करना है। और फिर ये बाकी जो पीछे तीन बचे हैं इनमें से दो और लेने हैं, और उनको जो हमने फर्स्ट स्टेप फोल्ड किया था उसके अंदर डाल देना इस तरह से। खोलते हैं। हमारी चाकू वाली कश्ती भी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अब हम इनका पैडल बना लेंगे यानी जिसको हम चप्पू कहते हैं। दोस्तों, ये इसके अंदर रुकेंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको रख देते हैं। अब हम समुंदर में जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपकी बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हुई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।